Hi Ujjabati, how have you been? I hope you are doing all rosy. Welcome to the very session. My name is Nidhi Arora, and if you don't know it already, then you have to let me know in the comment section that we're live, audible, and visible. Okay? Chalo, jaldi se bata denge, jaldi se join karenge session ko. Do not forget to like, share the session, of course, and then in case if you happen to bump into our unacademy plus subscription then do not forget to apply this code which reads NIDHI01 NIDHI01 and through this code it will straight up take you up to our flat 10% off discount on any of the courses that you may take in the future okay and then you can also ace your school exams with unacademy now without any further ado as you all know थोड़ी सी फेमिलियरिटी बढ़ानी जरूरी होती है थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर, greeting, कर लेते हैं ग्रीटिंग ग्रीटिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं लेम यू नो अबाउट योर सेल्फ इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल मीन वाइल आई टेल यू सम मोर थिंग्स अबाउट माई सेल्फ दैट हाई डियर लर्नर्स आई एम निरूरा यू आर इंग्लिश एजुकेटर ओनली ऑन अन अकेडमी आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम हंसराज कॉलेज डेली यूनिवर्सिटी एंड आई एबसोल्यूटली टेक ह्यूज प्राइड इन दैट एंड आई एम ऑल्सो अ मास्टर्स जामिया so i've been in education sector or education space as you call it for quite a good while now and in all these uh, years in experience years of experience in teaching i have uh, t i have been fortunate enough to deal with the students coming from SSE and nda backgrounds not only that i've also <coughs> tried my hands on mischievous students like you as like you guys are also mischievous and little नॉट ही एंड फन एट द सेम टाइम सो दैट्स अबाउट इट आई गेस दिस इज़ अनाफ एंड आई डोंट थिंक यू केयर आई लॉर्ट मोर देन दैट एंड इन केस इफ यू वॉन्ट टू नो मोर थिंग्स अबाउट मी दैन वी विल डेफिनेटली जगल अप इन द कोर्स ऑफ टाइम राइट चलो बातें कम काम ज़्यादा वाला बात करनी है हमको तो फिर आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा एज यू ऑलरेडी नो दैट वी डिड अ लॉट Uh, a lot of justice and fun at the same time with this topic which says the best Christmas in the world part थ्री part टू में हम लोगों ने बहुत सारी बात करी थी आई डोंट नो अभी तक जो है कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तकलुफ़ तो नहीं हुई होगी लाइक आई एम नॉट श्योर अगर हुई है तो यार comment सेक्शन में पोस्ट क्यों नहीं करते हो मतलब कि वाई डोंट यू आस्क away द डाउट राइट

पार्ट वन हमने एक लेक्चर में किया फिर पार्ट टू हमने दूसरे लेक्चर में किया अब पार्ट थ्री की बारी है तभी ये चैप्टर जो है अपना अंतिम संस्कार करवा सकता है और तभी जो है इस पूरे थीम के साथ जस्टिस हो सकता है राइट तो ये जो क्रिसमस ट्री है इसमें अगर हमें क्रिसमसी फीलिंग चाहिए ऑल वी नीड टू डू इज सिट टाइट फील एट होम एंड देन जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस हमें प्रोसेस को ध्यान से सुनना है क्या टॉपिक ये हमसे कहना चाहता है ओके okay, तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी आपने करना धरना कुछ है नहीं बस आराम से बैठना है मेक नोट्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई टीच यू मीन वाइल और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी तक का रिकैप एक बार बहुत ही बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प कर लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में जिम मैकफर्सन के बारे में पता चला कोनी के बारे में पता चला फिर हमें कुछ और ऑफिसर्स हैंड्स वुल्फ के बारे में पता चला था बहुत कुछ तो हमें ये पता चला कि नरेटर जो है हमारे ही इज़ रीडिंग आउट द लेटर्स और उसमें ना लेटर में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है जो कि जिम मैकफर्सन को देना था अपनी वाइफ कोनी को बट अनफॉर्चुनेटली uh, क्योंकि वो जो रोल टॉप डेस्क है वो पूरा जो डेस्क है वो शॉप में था और वो मिल गया उसके जो रिसीवर थे मिस्टेकनली uh, वो हो गए थे हमारे नारेटर तो नारीटर को ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सब पढ़ना पड़ रहा है और वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं है ना तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो माइकल मोपुरगो है वो और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे बोला है बेटा नारेटर बोलते हैं देखो आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप डिट केयरफुली बैक इन टू इट्स ऑन वलअ तो यहाँ पर ये बोला है कि यार उन्होंने पूरा लेटर पढ़ लिया था कि यार बेस्ट क्रिसमस था है ना हम लोगों ने कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करा था अक्रॉस एनिमिटी लाइक डिस्पाइट हैविंग ऑल द एनिमिटीज वी टुक दैम अपार्ट एंड वी सेलिब्रेट अंडर द शेड ऑफ वन एंड ओनली गॉड तो ऐसी कुछ उन्होंने चर्चा करी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग रही होगी कि दुश्मन भी आपस में फ्रेंड्स बन गए हैं ना जैसे फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आ, पूरा हो गया था तो ये उन्होंने पढ़ा तो ना हमारे नारेटर थोड़े से इमोशनल हो गए उन्होंने ना लेटर को फ़ोल्ड करके रख दिया और बहुत ही जचा के बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से फोल्ड करके रखा क्यों क्योंकि वो चीज़ उनसे बिलोंग नहीं करती थी उनको लग रहा था ये चीज़ तो मेरी है ही नहीं सो लाइक आई माइट नॉट डू जस्टिस टू द गिफ्ट और टू द सोविनियर जो मुझे मिला हुआ है तो मुझे जो है किसी और की चीज़ को प्यार से ही रखना चाहिए तो उसने ऐसा बोला है उन्होंने कि मैंने फोल्ड कर दिया लेटर को दोबारा से और स्लिप कर दिया आराम से केयरफुली उस ऑन में ठीक है <coughs> आगे बोला है बेटा आई केप्ट अवेक ऑल नाइट मैं पूरी रात जो है सोया नहीं था आई वॉज अवेक यानी कि जागा हुआ था क्योंकि वो पूरे टाइम यही चीज़ सोच रहे थे अब यहाँ पे बेटा देखना ये जो टॉपिक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बेस्ट क्रिसमस तो बन गए लेकिन प्रेजेंट्स तो हुए नहीं ये कौन सा तोहफा है इसी तोहफे के बारे में अभी हम बात करेंगे कि मैं पूरी रात क्योंकि जागा नहीं बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू सुबह तक मुझे पता था मुझे क्या करना है अब मुझे तो पता है इनको क्या करना है नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब उसने बोल दिया यहाँ पर कि मुझे पता है मुझे क्या करना है इसका मतलब वो सुबह उस लेटर को उसके रिसीवर को देकर आने वाले थे राइट तो वो अब चल लेंगे शेरलॉक की तरह खोज पे आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट वो ड्राइव करके गए ब्रिडपोर्ट में राइट विच इज़ अ बिग डील मतलब उन्होंने इतना कष्ट लिया कि सोचें यार कि जिसके लिए था उसने तो कभी पढ़ा ही नहीं ना तो मैं जाऊँगा ब्रिडपोर्ट देख कर आऊँगा कैसा लगता है तो वो ड्राइव करके गए हो एंड ही वॉज ऑल्सो होपिंग दैट ही माइट फाइंड दिस पर्सन होम द एड्रेस होम द लेटर वॉज लाइक एड्रेस टू ये ये वाली बात है ठीक है सो जस्ट फ्यू माइल्स अवे कुछ ही माइल कुछ ही मीलों दूर था वो आई आस्ट द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज मैंने एक डॉग से पूछा डॉग से नहीं पूछा मैंने एक बॉय से पूछा जिसको जो अपने डॉग को इधर उधर घुमा रहा था कि यार ये जो स्ट्रीट है ये जो एड्रेस है ये कहाँ पड़ेगा ठीक है कॉपर बीचज तो उन्होंने बताया हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न अराउंड टू बी टर्न अराउंड टर्न टके ओके माए बैड यहाँ पर ये बोला हाउस नंबर ट्वेल्व यानी कि ये एड्रेस का नाम है टर्न आउट बी नथिंग बट आ बर्नड आउट शेल उन्होंने ये देखा सो वट ही फाउंड आउट बेसिकली इज जैसे वो स्कॉपो बीच एड्रेस पे गए हाउस नंबर ट्वेल्व लिखा हुआ था उनको ये पता चला यार ये तो पूरा घर जला हुआ है बुरी तरीके से सो ही फाउंड आउट डेट द हाउस बर्ंड आउट वो जला हुआ था पूरा शेल यानी कि एक आ, शेल यानी कि खाली सी पी की तरह वो जला हुआ लग रहा था द रूफ गैपिंग द विंडोज बोर्ड अब उसने बोला है यहाँ पे कि उन्होंने जो ऑब्ज़र्व करा जो उनकी छत थी ना उस पर गैप्स थे बहुत सारे पूरा जला हुआ दिख रहा था और जो खिड़कियाँ थी ना वो बॉर्डर्ड यानी कि उसमें से लकड़ियाँ निकल कर आ रही थी राइट right. तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि नेक्स्ट डे जब हमारे नारेटर साहब गए तो वो बोलते हैं यार मैं गया था ये एड्रेस पे पहुँचाने के लिए लेटर बट मुझे कोई मिला ही नहीं मिला तो क्या घर पूरी तरीके से जला हुआ सो ये वॉर के टाइम की स्टोरी है कुछ भी हो सकता है वो तो घर पे बैठे बैठे है ना तो घर पूरी तरीके से जला हुआ था दैट इज़ ही वॉन्ट्स टू से और फिर यहाँ पे बॉर्डर फ्लोर है पूरा वुडन विंडो थी ना वो पूरी बाहर निकल के आ रही थी राइट right. चलो आगे देखते हैं और क्या बोला है देखो 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 वो ड्राइव करके गाड़ी से गए थे यार मैं तो फोटो दिखाना भूल ही गई आपको देखो कितनी प्यारी कौन सी कार विच विच व्हाट डू यू थिंक दिस कार कुड बी फिरारी लम्बॉगनी क्या हो सकती है ये बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विच कार कुड इट बी ऐसा गिवन नहीं है बट हम गेस्ट तो कर ही सकते हैं है, है ना चलो आगे देखते हैं फिर आप यहाँ पर बुलाए बेटा ध्यान से केयरफुल <coughs> आई एम नॉट ऐट द हाउस नेक्स्ट डोर मैंने जो है दरवाज़ा को खटखटाया था मतलब नेक्स्ट डोर यानी कि उसी जगह पर जाके मतलब उसके नेक्स्ट स्पेस में उसके नेक्स्ट घर में जाके पूछा कि यार ये घर जला हुआ है क्या दिक्कत है ना ऐसा नहीं कि पूरा इलाका ही पूरी कॉलोनी इट वॉज बर्नड आउट नो इट वॉज इन द केस तो वो पड़ोसी वाले घर में जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया एज टू कन्फर्म देअ वेयर अबाउट्स कि यहाँ लोग रहते भी आए नहीं है ना and asked if anyone knew the whereabouts of अबाउट Mrs Macpherson तो so, यहाँ पे उन्होंने बोला कोई यहाँ पे नाउ रिमेंबर कि यहाँ पे ना बेटा लुक केयरफुली ऑफ Macpherson बोला है इसका मतलब ये है बेटा वो ना मिस्टर मैकफर्सन तो पता नहीं क्योंकि वो वॉर में थे तो वो जिंदा है नहीं वो मिसेस को ढूंढने आए थे कि जिसके लिए लेटर है उसको पहुँचा दे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया पड़ोस में पूछने के लिए हाल चाल या फिर ए, पता वेयर अबाउट्स क्या होता है पता पूछने के लिए किसके ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन नाउ आपको पता है कि यार अ निधि अ राहुल अ प्रिया नहीं लगता है कभी भी फिर भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन अ का मतलब इट्स एन आर्टिकल बेसिकली बेटा एंड इट्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल तो यहाँ पे ना वो ये दिखा रहे हैं कि अ यानी कि कोई सर्टेनिटी है क्या Uh, कि कोई भी मिसेस मैकफर्सन को कोई मिसेस मैकफर्सन को जानते हो क्या इस नाम की कोई शख्स आपके नोन में है या फिर नहीं है सो दैट इज़ वाई इट इज रिटर्न अयर ओके सो यू हैव टू नोट इट डाउन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है बेटा आप तो वेर अबाउट जानने हैं मुझे ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन यानी कि कोई मिसेस मैकफर्सन यानी कि को कोनी को जानता है क्या ओ oh, येस yes. अब कौन आके बोलेगा देखो फोटो है यहाँ पे हमारे एक बूढ़े आदमी की सो इट्स एन ओल्ड मैन क्या बोलते हैं ये ये कोई बूढ़े व्यक्ति हैं सो ही सेज ओ यस जानता हूँ जी बिल्कुल इतने सालों से हमारे पास में रहे हैं तो कौन नहीं जानता होगा है ना ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स अपने स्लीपर्स में होता है ये ओल्ड मैन और वो बोलता है ठीक है भैया ये इनकी चप्पलें हैं ही न्यू हर वेल वो मिसिज मैकफर्सन को बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते थे लवली ओल्ड लेडी बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है ही टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया बहुत ही प्यारी लेडी अब बेट मर्डल्ड हेडेड मर्डल हेडेड क्या होता है बेटा कन्फ्यूज हेडेड यानी कि उनका जो सर था काफ़ी कन्फ्यूज रहता था जैसे कि मेरे बच्चे होते हैं तो जब भी मैं मैं बोलती हूँ ना ऐसे पजल्ड हेड्स मर्डल्ड हेड्स या फिर कन्फ्यूज हेड्स ये सब इन्हीं के लिए ही सनने में इसका ठीक है तो मर्डल का मतलब होता है कन्फ्यूज सर के साथ घूमती थी थोड़ा सा खिसकी हुई थी मतलब हो सकता है बट एट हर एज शी वॉज इंटाइट टू बीज इन शी तो बोलते हैं तो नहीं होनी चाहिए भैया ये इनका नाम था टाइटल था हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड और अब वो बेटा अब वो टोटल एक सौ एक साल की हो चुकी है ओके सो शी had बिन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर वो घर पे रही है जब फायर आग लग गई थी तो वो इस घर में ही थी जब आग लगी थी एंड दैट इज़ वाई शी हैड टू एस्केप है ना तो घर छोड़ना पड़ा इसीलिए तो यहाँ पे क्या क्या बोला है ओल्ड मैन बोलता है ओ oh, येस yes, उन्हें तो कौन नहीं जानता वही कंफ्यूज सर की घूमती रहती थी उसको ऐसे ही बोला बुलाया जाता था इन टाइटल यानी कि ये टाइटल दिया जाता था उस एज में नहीं दिया जाता था क्या तो उस हाउस में वो बहुत टाइम से रही है जब आग पकड़ी थी घर ने तभी भी तो मर्डर का मतलब इसका इट मीनस कंफ्यूज ओके दैट इज दैट इतना ही है बस इसमें चलो जी आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे ओल्ड मैन वट डिड द ओल्ड मैन से इट सेड अ लॉट अ लॉट ऑफ डिटेल्स ही गिव अबाउट मिसेज मैकफर्सन अब क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे अब बोलते हैं नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि किसी को एक्चुअल में पता नहीं है कि ये आग लगी कैसे थी बेसिकली बट इट कोड वेल हैव बिन कैंडल्स तो यहाँ पे बोला लेकिन हाँ कैंडल्स की वजह से लोग कहते हैं कि आग लग गई थी पूछा ना कि यार ये या आग कैसे लगी तो लोग कहते हैं कि यार कैंडल्स की वजह से आग लग गई थी ठीक है सो नो वन रियली न्यू बहुत टाइम हो गया हर्स हो गया तो किसी को पता नहीं है ढंग से आग कैसे लगी थी पता ही नहीं होता यार कोई मिसहैपनिंग कैसे हो जाए अनसर्टेनिटी होती है इसकी भी बहुत ज़्यादा तो लेकिन हाँ कैंडल्स के वजह से बोलते हैं लोग शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी वो ना कैंडल्स बहुत यूज़ करती थी बजाय कि वो लाइट यूज़ करे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे। बिकॉज शी ऑलवेज थाट इलेक्ट्रिसिटी वॉज़ टू एक्सपेंसिव क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि जो बिजली है वो कुछ ज़्यादा ही महंगी है वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव रही है राइट right? तो वो हमेशा कैंडल्स यूज़ करती थी बचत करने के लिए सेव करने के लिए ठीक है तो हमेशा शी वुड यूज़ कैंडल्स शी ऑलवेज यूज टू हैव कैंडल्स इन हाउस तो कैंडल्स की वजह से ये आग सोच रहे हैं लोग कि बचत करते थे वो बिजली के पैसे बचाती थी और बहुत महंगी होती थी बिजली इसीलिए ठीक है द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम तो जो फायर मैन यानी कि आग लगाने वाले हैं ना वो उसने बाहर निकाल दिया था समय से मिसिज मैकफोसन को शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ तो उन्होंने बोला यार वो ना अभी शायद नर्सिंग होम में थी टोल्ड मी उसने मुझे बताया उस वही नेबर ने उन्हें बताया कि शायद वह नर्सिंग होम में है भी बर्लिंगटन हाउस एड्रेस भी दिया मुझे बर्लिंगटन हाउस में यू मे फाइंड ऑन द दस्टर रोड ये डॉचेस्टर रोड क्या है रोड का नाम है ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन यानी कि टाउन के दूसरे साइड में यू मे फाउंड फाइंड ओके तो यहाँ पे बोला उन्होंने एड्रेस बताया कि यार वो बर्लिंगटन हाउस में मिल सकती है तुम्हें डॉचेस्टर रोड होगी वहां पे तुम्हें आराम से मिल जाएगा टाउन के दूसरी तरफ है यानी कि तो मैं थोड़ा सा और आगे जाना होगा इफ यू रियली वॉन्ट टू फाइंड हर है ना तो पड़ोसी ने भी ज्यादा कुछ ऐसे चिक -चिक नहीं करी क्योंकि कुछ उन्हें पता ही होगा इतनी बूढ़ी एज में इतनी वृद्धावस्था में इतने टाइम बाद आ, किसी काम के लिए आ सकता है ना कोई इंसान उनसे मिलने के लिए कुछ होगा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ देना होगा सो so, ये चीज वन थिंग वन थिंग गॉट रियली डेफिनेटली कंफर्म इज कि कैंडल की वजह से आग लगी हो सकती है बिकॉज शी नेवर ने टू यूज इलेक्ट्रिसिटी पर से ठीक है अब यहाँ पे क्या बोलता है बेटा आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस थम्स अप दे दो यार बर्लिंगटन हाउस मिल गया बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया इजिली ना बहुत ही आसानी से कोई मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं थी बिल्डिंग पे आराम से ही चमचम -चम, मतलब बोल्ड लेटर्स में लिखा ही हुआ था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ठीक है द वो पेपर चेनस आप इन द हॉलवे वो पेपर चेन्स लगे हुए थे हॉलवे में अ लॉट मेनी टाइम्स मतलब ऐसा होता है कि हम हिंट्स को फॉलो कर करके रास्ता ढूंढ लेते हैं तो पेपर चेन्स हर जगह लगे हुए थे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ विदेड एंगल ऑन टॉप ध्यान से देखना बेटा अब यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे uh, कि ना पेपर चेन्स लगे हुए थे हॉलवे में यानी कि पूरा जो ऐसे रास्ता जाता है ना एक लेयर का तो वहां पे लगे हुए थे और एक क्रिसमस ट्री भी सजा हुआ था क्रिसमस ट्री क्या है यहाँ पे ऐसे जिंगल बेल्स की तरह हॉलवे में पूरे रास्ते में देखो ये हॉलवे का ऐसे रास्ता थोड़ा सा दिखाया गया यहाँ पे पूरा सजा हुआ था और क्रिसमस ट्री इट विज स्टूड राइट बिसाइड व्हाट आई सॉ है ना तो उनकी पूरी नज़र से पास में ही था एक क्रिसमस ट्री लंबा सा खड़ा हुआ है इन द कॉर्नर विद अ दॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप यानी कि लॉपसाइडेड एंगल क्या होता है बेटा um, एक uh, मतलब एक तरफ झुका हुआ था ऑन वन साइड टॉप पे एक लोपसाइडेड एंगल था तो हमें थोड़ा सा साइड में झुका हुआ सा लग रहा था वो सो लिपसाइडेड इज अ साइड ठीक है सो विल राइट इट एज टेल्टेड टूवर्ड्साइडेड इसका मतलब होता है टेल्टेड टूवर्स वन साइड ओके जल्दी से बता दो यहां तक समझ आया या नहीं बोलो हाँ या ना टेल्टेड टू वन साइड कूल cool है सॉर्टेड है तो यहाँ पे क्या क्या बोला है यार टॉप पे था उसके आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर असमस प्रेजेंट मैंने कहा था कि यार मैं कोई फ्रेंड था ठीक है सो आई वॉज अ फ्रेंड मैं एक फ्रेंड था जो विजिट करने आया हुआ हूँ मिसिज मैकफर्सन को और जिससे मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट ले आऊँ I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं जो सब कुछ देख सकता था डाइनिंग रूम में जहाँ पे मैं क्रिसमस मैं मैंने पहना हुआ था हैट और मैं गा रहा था आई वॉज ऑल सिंगिंग एंड हैप्पी एंड मोर देन हैप्पी देन एवर तो ये ये मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग थी तो यहाँ पे क्या क्या बोला है बेटा <coughs> मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया था बहुत आसानी से पेपर चेंज़ थे हॉलवे में क्रिसमस ट्री इट वाज लिट अप और वो ऐसे कॉर्नर में एकदम खड़ा हुआ था एक साइड पे आ, उस पर ऐसे एंगल सा लगा हुआ था टिल्टेड था तो मैंने कहा यार मैं कोई फ्रेंड हूँ जो विज़िट करने आया हुआ हूँ मिसेस मैकफर्सन को जो मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आऊँ तो मैं आ, जो डाइनिंग रूम से उनको देख सकता था उनसे बात कर सकता था जहाँ पे हर कोई जो है पहन के रखा है हार्ट पहना हुआ है सब ने एंड देवर ऑल सिंगिंग देवर सिंगिंग क्रिसमस एंड इट वाज सच हैप्पी मोमेंट राइट तो ये सब चीज़ें इट वेंट अबाउट फॉरन आर ऑलसो मतलब ये सब चल रहा था वो उन्होंने पूरा वहाँ का नर्सिंग होम का पूरा व्यू बताया है राइट ठीक है द मे हैड अ हार्ट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी जो मे ट्रेन कौन होती है बेटा नर्स यहाँ पे मेक अ नोट ऑफ इट मेट्रिन ने यहाँ पे नोस तो उन्होंने भी हैट हाँ पहना हुआ था क्रिसमस का एंड शी सीम सो हैप्पी टू सी मी मुझे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रही थी शी इवन ऑफर्ड मी अंसी पाए उन्होंने मुझे ना मिन्सी पाए भी दी है ये देखो दैट्स हाउ अ मिन्सी पाए लुक्स लाइक तो इट 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 लुक सो अमेजिंग इट लुक सो डिलीशियस तो ये सब देख के तो मज़ा ही आ गया था राइट right, चलो जी तो यहाँ पर ये बोला गया है इन्होंने सो वाट्स एट ऑल रिटर्न यहाँ पे ये बोला है कि उन्होंने मुझे एक मिन्सी बाई ऑफर करी एंड इट वॉज सो डिलीशियस मूविंग ऑन शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर उन्होंने मुझे कॉरिडोर में पूरा घुमाया ठीक है तो बड़ा ही मजा आ गया था हमें तो मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द ऑर्डर्स शी टोल्ड मी मिसिज़ मैकफर्सन जो थी वो ऑर्डर्स में नहीं थी उन्होंने ऐसा मुझे बताया शी इज़ रा कन्फ्यूज डे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट वहाँ पे किसी ने बोला मतलब नर्स ने मुझे वो पकड़ाया वो मुझे लेके गई थी कॉरिडोर में उन्होंने ये भी बताया कि मिसेस मैकफर्सन जो है इज़ नॉट इन विद दी अदर्स मतलब यहाँ हमारे साथ में नहीं है उन्होंने बताया वो आज बहुत ही कन्फ्यूज हेडेड घूम रही है कंफ्यूज लग रही है बहुत ही ज़्यादा बहकी बहकी से लग रही है तो हमें लगा कि यार वो रेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है शी हैज़ नो फैमिली यू नो वो बताती है नर्स कि यार इनकी कोई फैमिली नहीं है बेचारी की नो वन विजिट्स कोई मिलने भी नहीं आता है तो मूवी में देखा होगा आपने कभी कोई बूढ़ी महिला बैठी होती है उसके पास कोई विजिट करने आए तो बताते हैं उसका स्टोरी है ना कि यार कोई है नहीं उनका कोई आता नहीं है मिलने तो फिर इसलिए हमने उन्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था सो एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू तो बोलते हैं कि यार आ, वो बोलती है नर्स कि यार मैं श्योर हूँ कि वो ना बहुत ही ज्यादा खुश होगी तुम्हें देख के मतलब ओनली टू प्लीज कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगी क्योंकि कोई मिलने आज तक ही नहीं आया शी टुक मी इन टू वर्क कंजरवेट्री विद विक च एंड पॉटेड प्लांट्स ऑलराउंड एंड लेफ्ट में वो जो नर्स थी ना वो लेके गई मुझे एक कंजरवेट्री मतलब कि वो वहाँ जहाँ पे पूरा वो बेड्स वगैरह पेशेंट के रखे होते हैं सामान रखा होता है पूरा तो कंजरवेटरी में लेके गई विद विकर चेयर्स विकर चेयर्स क्या होता है बेटा प्लांट्स को जब हम सिल सिल के यानी कि वीव कर करके जो चेयर्स बनाते हैं न वो विकर चेयर्स थी एंड पॉटेड uh, प्लांट्स और वहाँ पे सारे पॉटेड प्लांट्स थे पॉटरी थी प्लांट्स की ये मान लो ऑल राउंड एंड लेफ्ट में वहाँ वो मुझे छोड़ गई और बस फिर बात खत्म तो यहाँ पे हमें क्या क्या सीखना है बेटा एक तो मिन्सी पाए हमने देख लिया बहुत ही डिलीशियस लग रही थी फ्रूट्स एंड नट्स की वो बनी हुई होती है सो इट वाज सो स्क्रम्चस ऑल यू नीड टू नो इज़ दैट ओनली ठीक है फिर उसके बाद वो तुम्हें देखे बहुत खुश होंगी कंजर्वेटरी एंड विकर चेयर्स तो यहाँ पे कंजर्वेटरी जैसे आपको इन्वेंटोरी पता होगा वैसी कंजर्वेटरी है जहाँ पे ऐसे बहुत सारा सामान रखा होता है ठीक है सो अ प्लेस टू स्टोर थिंग्स ओके इट्स बेसिकली अ प्लेस आपकी बुक में भी गिवन है तो यहाँ हो जाएगा अ प्लेस टू स्टोर थिंग्स राइट और पॉटेड पॉटेड यानी कि वो तो पॉटेड प्लांट्स थे बट विकर विकर इज वन अदर वर्ड वन एंड अदर वन अदर वर्ड विच यू नीड टू नो अबाउट सो विकर यहाँ पे ये बोला है बेटा कि क्या है विकर विकर चेयर यानी कि प्लांट अ प्लांट वुवन चेयर ठीक है तो प्लांट आ, के साथ ऐसे वीव की हुई चेयर होती है ओके चलो तो ये हमें पता होना चाहिए तो हमें ये पाइज के तो मज़ा ही आ गया है ना ऐसे बहुत सारी पाइज होती हैं तो विच वन इज़ योर फेवरेट पाए एप्पल पाए मैंगो पाए लेमन टाट्स क्या पसंद है आपको जल्दी से मुझे बता दो ठीक है जस्ट सो आई कुड ऑल्सो फील आई कुड ऑल्सो लिव द मोमेंट लिव इन द मोमेंट बेसिकली ठीक है तो ऐसे ही जस्ट टी एम आई चलो आगे यहां पे बोला है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर वो जो ओल्ड लेडी थी वो तो व्हील चेयर में थी यानी कि चल नहीं सकती थी कुडंट मूव मच ठीक है तो वो ज्यादा मूव वगैरह तो वो नहीं कर सकती थी उनके हाथ जो थे वो लैप पे फोल्डेड थे ठीक है हो हैंड्स यानी कि यहाँ क्या बोला बेटा हो हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप यानी कि उनके जो हाथ थे उनकी गोदी में ऐसे रखे हुए थे फोल्डेड शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू विस्पी बन उनके पास सिल्वर वाइट हेयर था ठीक है सिल्वर वाइट हेयर क्या होता है जी सिल्वर um, कलर का वाइट कलर का हेयर बेसिकली पिंड इन टू विस्पी बन यानी कि उसको पिन किया हुआ था विस्पी बन के साथ यानी कि उन्होंने बन बनाया हुआ था पूरा जूड़ा जैसा तो विस्पी मतलब वो पिंस के साथ ऐसे आ, उन्होंने ऐसे बस फोल्ड फोल्ड करके बन बना दिया तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर थी उसके बाद उनके हाथ फोल्ड किए हुए थे इसके पास लैप अपनी गोदी में रखे हुए थे उनके सिल्वर वाइट हेयर थे जो उन्होंने पिन किए हुए थे विस्पी बन में शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन वो जो है घूर रही थी गार्डन में हेलो आई सेड मैंने कहा हाई शी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली तो उन्होंने मुड़ा और मेरे तरफ देखा वैकेंटली यानी कि खाली उस पर ठीक है हैप्पी क्रिसमस कौन ही वो बोलती है हैप्पी क्रिसमस आई वेंट ऑन मैं फिर आगे बढ़ा आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स मुझे ये मिला है आई थिंक ये तुम्हारा है तो यहाँ पे नरेटर साहब आते हैं वो देते हैं इनको लेटर ये देखो व्हील चेयर पर है ओल्ड लेडी ऐसा इन्होंने विस्पी बन सा बनाया हुआ है पिनस लगाई हुई है प्लांटर्स हैं देखो यहाँ पे तो वो आई थी तो वो बोलता है उन्होंने जैसे ही बोला ना इन्होंने हैप्पी क्रिसमस तो बोलते हैं देखो आई फाउंड दिस एंड दिस इज योर्स राइट अब देखना ट्विस्ट आएगा स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है सो द ओल्ड लेडी वो जो बूढ़ी लेडी थी वो व्हील चेयर पर थी उनके हार जो है फोल्ड किए हुए थे तो उन्होंने अपनी लैप पे शी हार्ट सिल्वर वाइट हेयर उनके सिल्वर वाइट हेयर थे जो विस्पी बन में पिन किए हुए थे वो मेरी तरफ घूर रही थी गार्डन की तरफ तो मैंने बोला हाय फिर वो मुड़ी फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही खाले पने से मुझे देखा खाली तरीके से आई सेड हैप्पी क्रिसमस कौन नहीं मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस आई वेंट ऑन मैं आगे बढ़ा फिर ठीक है तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला था ना हैप्पी क्रिसमस कौन मैंने बोला था कि बेसिकली हैप्पी क्रिसमस कौन नहीं फिर मैं आगे बढ़ा मैंने बोला ये आपका है ठीक है तो जैसे ही उन्होंने हैप्पी क्रिसमस सुना फिर ये ऑन देखा गिफ्ट देखा तो क्या ही रिएक्शन होगा ऑब्वियसली कोई भी एनी बडी वुड हैव गॉटन इमोशनल कोई भी इमोशनल हो जाए यार सेंटिमेंटल हो जाए इस टाइम पर कि यार ये क्या प्यारी सी चीज़ दे रहे हैं तो वो लेटर्स देखते हैं वो सर शी फाउंड द लेटर फाइनली शी गॉट द लेटर अब वो जो लेटर है उसके रिसीवर तक पहुँच गया है तो अब क्या होता है एज़ आई वीकिंग हर आइज़ जैसे ही मैं बोल रहा था मतलब हर आइज जैसे ही मैं बात कर रहा था उसकी आँखों से Uh, her eyes never felt uh, left in my left my face तो जैसे ही मैं बोल रहा था ना तो उनकी जो आंखें हैं उन्होंने मेरा face नहीं छोड़ा था I opened the tin box मैंने वो tin box खोला and gave it to her और मैंने उसको दे दिया था ठीक है that was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a wooden with a sudden glow of glow of happiness तो यहाँ पे क्या बोला यार वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें मेरी आंखें एकदम से मतलब चका चौंद हो गई अप, लाइट अप हो गई खुल गई किसी रिकोगनीशन के साथ किसी पहचान के साथ ऐसा उनकी आंखों से लग रहा था यार ये तो कोई देखा देखा लग रहा है, है ना बट ऐसा है नहीं ठीक है क्योंकि वो ओल्ड हैं उन्हें लग रहा है यार ये तो कुछ जाना माना लग रहा है फिर वो पूरा सब कुछ देखती हैं तो उनका फेस इट वॉज इट बिकेम सफ्यूज सफ्यूज यानी कि भर गया पूरा मतलब पूरे चेहरे पे ग्लो फैल गया था स्प्रेड हो गया था विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस यानी कि वो जो ग्लो था ना वो पूरा सफ्यूज हो गया यानी कि स्प्रेड आउट हो गया राइट right? तो यहाँ पे सफ्यूज बता देती हूँ मैं इट मीन्स टू स्प्रेड आउट ओके आउट। चलो तो यहाँ पे बोला थी ना उसमें सब कुछ दिख रहा था एक चमक थी एक ग्लो था जैसे उन्होंने बॉक्स खोला शी बिकेम सो so सो रिलेटेड सो एक्सटेटिक सो आउट ऑफ world शी felt दैट डे दैट कुडेंट बी एक्सप्लेन इन words राइट right? मुझे वो डेस्क कैसे मिला था बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिस्ंग कुछ नहीं सुन रही थी वॉज हैप्पी शी वॉज सो हैपी दैट शी वॉज लिस्निंग टू दी अदर साइड स्टोरी उनको ये लग रहा था ये मेरा जिम आ गया है वापस जिम मैक पर्सन अभी देखना आपको पता चलेगा ट्विस्ट फॉर वाई शी सेट नथिंग मतलब वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है अपनी दुनिया में धुत है एकदम मस्त खोई हुई है तो कुछ टाइम के लिए शी सेट नथिंग शी वॉज जस्ट ब्लैंक कम्प्लीटली ब्लैंक तो वो उन्होंने कुछ नहीं सुना बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विध फिंगर टिप्स लेकिन उन्होंने अपने लेटर को स्ट्रोक करा था ठीक है स्ट्रोक यानी कि ऐसे निशाना लगाया था टेंडरली बहुत प्यार से अपनी फिंगर टिप्स के साथ ठीक है तो आ, उन्होंने स्ट्रोक कर दिया लेटर को स्ट्रोकड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे निशाने मार रही है टेंडर्ली बहुत प्यारे तरीके से अपने फिंगर टिप्स के साथ राइट right? चलो जी अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे जिम ने ये बोला है ठीक है तो यहाँ पे वो बोल रहा है वो भी शौक दे कि ये क्या सोच रही है वो कुछ नहीं बोल रही अपनी दुनिया में धुत है वॉट वॉट शुड आई इवन डू नाव है ना तो वो कुछ सुन नहीं रही है अपनी दुनिया में धुत है नाव ऑल शी हैड इज वॉज नथिंग उनके पास अभी कुछ भी नहीं था करने को तो यहाँ पे हम देखते हैं जेम वाज आल्सो सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड उनकी तरह ही वो ओल्ड लेडी की तरह कंफ्यूज्ड हो गया वो अब क्या होता है बेटा सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड सडनली वो मेरी तरफ बढ़ती आगे और मेरा हाथ लिया उन्होंने हर आईज वो फिल्ड विथ योर्स उनकी आँखें जो है बहुत आंसुओं से भर गई थी ठीक है उस ओल्ड लेडी की देखो भैया दैट इज जस्ट हाउ शी वाज क्राइंग एंड एंड सो शी वाज फिल्ड विद शी वाज ड्यूई ड तो यहाँ पे बोला है कि शी वज़ ऑल सेंटिमेंटल यू टोल्ड मी यू कम होम बाई क्रिसमस डियर रेस्ट तो वो ना ओल लेडी माइंड दिस सेंटेंस योर कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस पे आओगे है ना शी सेड उन्होंने ऐसा कहा एंड ह्योर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और देखो यहाँ हो तुम अपने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इस दुनिया के सबसे बढ़िया प्यारा सा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तुमने मुझे दिया है इस पूरे दुनिया में कम क्लोजर प्लीज़ पास आ जाओ जिम डियर सिट डाउन और जिम डियर पास आओ और बैठ जाओ प्लीज़ ठीक है तो सडनली एकदम से वो पहुंच गई थी शी रीज आउट एंड टुक टुकमाई हैंड उन्होंने मेरा हाथ लिया उनके हाथ जो है बहुत आंसू से भर गए थे उनकी आंखें शी वॉज वेरी मच इमोशनल और वो जिम मैकफर्सन समझ जिम मैकफर्सन समझने लग गई थी उस नरेटर को और बोलती हैं कि तुमने कहा था ना तुम आओगे क्रिसमस पे जो तुम लेटर्स लिखते थे और देखो तुम आ गए तुमने मुझे बेस्ट क्रिसमस तोहफा दे दिया इस पूरे संसार का यानी कि आज तक जो मुझे गिफ्ट्स आते थे ना उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है द गिफ्ट दैट यू गिवन मी टूडे एट द एज ऑफ वन हंड्रेड एंड वन ईयर्स यानी कि वो जो उनकी उम्र हो गई थी ना वो एक सौ एक साल की हो गई दैट ओल्ड एंड इवन देन हैपीनेस है जिम नियर सिट डाउन पास आओ जिम और बैठो मेरे करीब वॉट मोर डिशी से और भी बहुत कुछ कहती हैं देखो शी इज क्राइंग शी इज़ ऑल इमोशनल आई सैड डाउन डिसाइड हो मैं उसके बगल में जाके बैठी या बैठा एंड शीखीज माई चीख और उसने मेरे चीख को किस करा ठीक है प्यार से आई रेड योर लेटर सो ऑफ इन जिम एवरी डे मैंने तुम्हारे लेटर पढ़ाए अक्सर जिम हर दिन पढ़ाए आई वॉन्टेड टू हीर योर वॉइस इन माई हैड मैं तुम्हारी जो है आवाज़ सुनना चाहता था अपने हेड में अपने सर पर इट ऑलवेज मेड मी फील यू वो विद मी और हमेशा मुझे यही रियलाइज हुआ है यही फील हुआ है कि तुम मेरे साथ थे एंड नाव यू आर और तुम हो अभी नाव योर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ मतलब अब तुम आगे हो तो तुम मुझे पढ़ के सुनाओ ये सब तुमने जो भी लिखा है वुट यू डू दैट फॉर मी जिम डिया तुम करोगे मेरे लिए ऐसा जिम प्यारे जिम ऐसा उसने बोला अपने हस्बैंड को देखकर ही वो इतनी ज़्यादा अपने सो कॉल्ड अपने फॉल्स हस्बैंड को देखकर ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी और मुझे लग रहा है यार तुम मेरे साथ इतने टाइम बाद आए हो अब तुम मुझे ही सब कुछ पढ़ के सुना मतलब आई विन मीनिंग टू हियर फ्रॉम यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ये ये सब बोल रही है वो फिर बोलते हैं यार ये मेरे सर की आवाज़ थी मतलब मैं सुनना चाहती थी दिलो जान से एंड द नाउ द मोमेंट हैज़ कम नाउ द टाइम हैज़ कम आई विल नॉट लीव यू अड है ना तो यहाँ पर क्या बोला है अब बोलते हैं वो फिर से आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन प्लीज़ कुछ बोलो यार मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है फिर से आई लव दैट सो मच यानी कि वो मेरा कुछ सुन ही नहीं रही थी मैं बोल रही थी मुझे कहीं और से लेटर मिला एंड शी वज़ जस्ट नॉट लिसनिंग टू मी मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ फिर से जिम uh, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के एंड देन परि कि शायद मे बी यद्यपि

चलो यहाँ चाय पीते हैं जल्दी से मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा क्रिसमस केक भी बनाया है मर्जी पान भी है तुम्हारे फेवरेट मर्जी पान यानी कि उस लेटर से भी पता चलता है वैसे भी उन्हें पता होगा अपने हस्बैंड के बारे में कि उनका फेवरेट फेवरेट डिश है जी मर्जी पान तो मैंने तुम्हारे लिए मर्जी पान है देखो यहाँ सब जगह तो जल्दी से देखो मतलब उन्होंने तो नहीं बनाया ऑब्वियसली शी विज़ ओल्ड इनफ टू कुक तो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला देखो सब जगह मर्जी पाना हैव योर फेवरेट डिश एंड जस्ट द इन्जॉय टाइम आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान मुझे ये भी पता है कि मर्जी पान तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद है अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद है ना तो खाओ यार अभी जल्दी तो बोलती है यार मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट यू गिव इन मीट इन नाउ मुझे चलो चाय पीते हैं बहुत बढ़िया क्रिसमस केक था मर्जी पान है सब जगह और मुझे थोड़ा सा मर्जी पान चाहिए ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था उन्होंने ये मर्जीपान देख के मतलब इट जस्ट टोटली मेड डे बेसिकली फिर हमारे नारेटर्स आप भी क्या ही बोलते हैं उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कुछ बोल ही नहीं पाए वो बिकॉज उनकी हैप्पीनेस के आगे उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन का ठिकाना ही नहीं था सो हाउ विल ही इवन से समथिंग दैट इज़ द एंड ऑफ योर स्टोरी बेटा ये क्यू एन ए है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन चेक करना ज़रूरी होता है तो यहाँ पे ना हमें ये पता चला बहुत सारी बातें पता चली बेसिकली हमें ये पता चला कि uh, कैसे उन्होंने जो है हाउ एल्स uh, uh, मतलब हैज़ ही इवन मैनेज्ड टू फाइंड हर हैप्पीनेस मतलब हाउ इवन हाउ द पर्सन वो जो नारेटर थे ना हाओ हैज़ ही इवन मैनेज टू फाइंड दैट प्लेस वो इतनी uh, ज़्यादा वो अटैच्ड हो गए थे इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए थे उस लेटर के साथ कि वो चाहते थे कि वो उस रिसीवर को हक है इस लेटर से वाकिफ़ होने का बट दैन द स्टोरी जिस्ट टुक अ टर्न ऑफ थ्री सिक्सटी एंड दैन एवरी थिंग जिस गॉड मडल्ड अप जस्ट लाइक द ओल्ड लेडी तो फिर ये कंफ्यूज हेड के साथ ओल्ड लेडी भी समझ नहीं पाई वो इतने यंग इंसान को जिम मैकफर्सन समझ रही है अपना हस्बैंड समझ रही है और सारी बातें कर रही है तो किस मुंह से वो एक्सप्लेनेशन दे है ना बट एनी हो द थीम कुड लाइक द थीम गॉट इट्स जस्टिस हमें ये पता चला कि इट वॉज इंडी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वॉजेंट इट राइट था ना बिल्कुल तो कमेंट सेक्शन में बताना है और हम क्यू एन ए चल लेते हैं अब इसी पार्ट का अब यहाँ पे देखना बेटा कि ये जो क्यू एन ए टाइम है अपना क्वेश्चन आंसर ये दो पार्ट्स में है एक आपको पेज नंबर फिफ्टींथ पे मिलेगा अपनी हनी ड्यू बुक में एक सिक्सटीन पे मिलेगा तो हमें ये दोनों को ही डिस्कस करना है ठीक है तो ध्यान से देखेंगे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बोला है वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिड पोर्ट वो ब्रिड पोर्ट क्यों गए थे ऑथर ब्रिड पोर्ट इसलिए गए थे यानी कि हमारे माइकल मोरपुर को ही वेंट टू ब्रिडपोर्ट जस्ट टू कन्फर्म जस्ट टू हैव अ रीअश्योरेंस की वो जो लेटर जिसको मिलना है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो मैं उन्हें वो लेटर दे दूँ है ना तो द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट कोनी वो मिसेज मैकफर्सन से मिलना चाहते थे कोनी से मिलना चाहते थे कोनी मैकफर्सन एंड विच हैड हर एड्रेस क्योंकि वहाँ पर वो एड्रेस लिखा हुआ था तो हमें पता चल गया था कि जिम मैकफर्सन का ये एड्रेस है Uh, तो फिर विच हैड हर एड्रेस जिसमें उनका एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन टवेल्व कॉपर बीचेस मिसेस जिम मैकफर्सन है बारह कॉपर बीचेस वो एड्रेस है ब्रिडपोर्ट एंड डोसेट ये पूरा नाम है ये पूरा एड्रेस है ही वॉन्टेड टू डिलीवर द लेटर टू हर रिटन बाय हर हस्बैंड वो डिलीवर करना चाहते थे उस लेटर को जो उनके हस्बैंड ने प्यार से लिखा था उनके लिए विच द ऑथर हैड मिस्टेकनली ओपन एंड रेड द कॉन्टेंट्स ऑफ तो गलती सही सही पर जान के भी किया उन्होंने उन्हें पता था किसी और की चीज़ है बट अगर उन्हें नहीं पता होता तो वो लेटर मिसेस मैकफर्सन तक पहुंचता ही कैसे इन द फर्स्ट प्लेस राइट तो आपको ये भी जानना है कि कभी कभी किसी का सीक्रेट जानना अच्छा ही होता है अगर आप उनको उनके मतलब एक कबूतर बन के एक पिजन बन के उनके राह पर अच्छे से पहुँचा पाए हो तो राइट right? तो ये ठीक है हमने इस देख लिया फिर हमने देखा हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ

डॉचेस्टर रोड ऑन दर साइड ऑफ द टाउन ये किसने बताया था ये नेबर ने बताया था कि डॉचेस्टर रोड पे पड़ेगा टाउन की दूसरी तरफ है ठीक है तो ड्राइव से इन्होंने थोड़ा सा बताया था अगर आप भी जाओ कभी तो सेफली ड्राइव करके जाना उनके पास ठीक है ये फिफ्टीन पेज का था अब सिक्सटीन पेज के का क्वेश्चन क्या कहता है हमसे बेटा इट सेनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज कॉनी मैकफर्सन को क्या लगा उनके विजिटर कौन है बेसिकली सो कोनी मैकफर्सन थॉट दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर विद हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन कोनी मैकफर्सन को लगा कि जो विजिटर है वो लेटर को कैरी करें अपने हस्बैंड के साथ मतलब वो उनके हस्बैंड ही है जो लेटर को लेकर आए हैं वो अपने साथ ही लेकर आ गए उनके हस्बैंड ऐसा लगा कोनी को तो वो शी जस्ट गॉट मिस शी वाज मिसअरस्टूड है ना शी मिस इंटरप्रेटेड अ लॉड ऑफ थिंग्स सो टू से सो जिम मैकफर्सन के लिए हमने यहाँ बोला कि कोनी थॉट कोनी को लगा दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर जो आगंतुक आए हैं उनका लेटर पकड़ने के लिए वॉज अ हजबैंड वो उनके खुद के हजबैंड हैं जिम मैकफर्सन तो उन्होंने शी जस्ट मिस टुक एवरी थिंग राइट सो शी क्रिएटेड अ बिग क्योज अराउंड यहाँ पे क्या बोला है आप क्वेश्चन नंबर टू में विथ सेंटेंस इन द टेक्स शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी कौन सा टेक्सट बताता है कि वो जो आगंतुक था उसने अपनी पहचान छुपाई नहीं वो बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे ये लेटर कैसे मिला था सो आई टोल्ड दैट लेडी अबाउट हाउ आई गॉट थ्रू दिस लेटर है ना मुझे कैसे मैं पढ़ा मेरी नज़र पड़ी बट वो सुनी नहीं रही थी कुछ है ना सो द सेंटेंस दैट विच शोज़ द विजिटर द विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज़ या हमने क्या करा है बेटा हमने पूरी स्टेटमेंट को क्वेश्चन से कॉपी करा है सो द इन टेक्स दैट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज़ वो है आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क मैंने डेस्क के बारे में बताया था अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट और मुझे वो कैसे मिला मैंने ये भी बताया बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग बट मुझे ये नहीं लग रहा कि वो मेरी मेरा कुछ सुन भी रही थी है ना from this sentence we understand that although the author tries his best to explain how he found the letter in the old roll top desk तो यहाँ पे बेटा इस सेंटेंस से हमें ये तो पता चल गया है कि हालांकि ऑथर पूरा ट्राई करता है एक्सप्लेन करने का कि कैसे उसको ये लेटर मिला था ओल्ड रोल टॉप डेस्क से मिसेस मैकफर्सन डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स मिसेस मैकफर्सन ही थी जो ने बिल्कुल भी सुनी नहीं रही थी राधा शी स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद her fingertips. टिप्स वो ना बहुत प्यार से ऐसे से आई माइट हैव नॉट एक्सप्लेन दिस टू बट वो अपनी प्यारी सी चीज़ को देख के ऐसे स्ट्रोक कर रही थी यानी कि प्यार से सहला रही थी अपने फिंगर टिप्स से लेटर को कि ये मेरे लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है एंड आई विल ट्रेजर इट फॉर एवर राइट तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया ये चीज़ कि मिसिज मैकफर्सन कैसे uh, हरकतें कर रही थी उन वॉट वॉट व नो ऑफ मिसिज मैकफर्सन एंड हाउ

दैर इज़ दिस न्यू फीचर ऑन अन अकेडमी विच इज़ नोन बाय आस्कडाउ ठीक है तो मैं आपको उससे भी थोड़ा सा फेमीलियर कराना चाहती हूँ अलाउमी अमेंट बेटा हमने जैसे ही ये टॉपिक खत्म किया सो आई वुड लव टू टेक यू थ्रू मोर अराउंड द लाइक पैसेज हाउ डज दिस अन अकेडमी फीचर वर्क आज का डाउट इसमें बेटा आज का डाउट एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसमें आप किसी भी टाइम पे कितने भी सवाल पूछ सकते हो और आपको उसका वीडियो सोल्यूशन ओरिएटेड मिल जाएगा बहुत अच्छे से ठीक है अब आपकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए आपको व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू मे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू आस्क अ डाउट राइट तो आपको ना आस्क अ डाउट पे जाना है सबसे पहले तो उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है उस पिक्चर को उस क्वेश्चन को आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप भी करना है अलॉन्ग विद दैट उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है बस कुछ नहीं है ज़्यादा कैटेगराइज करना है एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट टाइट और आपके पास वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा राइट right? अब आज के डाउट के डूज एंड डोंट्स क्या है दा, हमें ये भी समझना है मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको ना वर्क क्लटर नहीं करना चाहिए कभी भी तो वन एट अ टाइम सो आस्क योर डाउट आस्क वन डाउट एट अ टाइम बेसिकली ट्राई करना कि हैंड रिटन नोट्स ना हो हैंड रिटन डाउट्स ना हो आपके प्रिंटेड डाउट्स हों तो ज़्यादा क्लियर इमेज होगी एंड हमारे जो सिस्टम है इट वुड बी बेटर लाइक अंडरस्टैंडेबल बेसिकली ठीक है अब हमें ये भी पता होना चाहिए बेटा कि ना अन अकेडमी का कॉम्बैट चैलेंज जो है स्कॉलरशिप एक करोड़ की जीतने के लिए हर संडे को आता है तो अपने आप को इनरोल क्या करो ना सिक्स टू एट के जितने भी बच्चे हैं ये बारह बजे हमारा जो है फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड पे 18 जुलाई को है विच इज़ टमोरो संडे तो आपको बस बैठना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है हम जो है इसको कॉम्बैट कर देंगे ठीक है वील कॉम्बैट द अकेडमिक्स अलॉन्ग विद आर एवरी डिसीज दैट वी डू ठीक है दैट मे हैव इन द फ्यूचर अब बेटा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ डिटेल में बताना चाहूँगी कि हमारे ना लाइव क्लासेस होते हैं आपके घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस एज़ आई एम गिविंग यू सेशनज एट द मोमेंट तो आपको किसी भी नू कैन कॉर्नर पे जाके बैठ के आराम से क्लासेस को अटेंड करना है ईयरफोन्स लगाओ अपने कन्ग्यूसिव इन्वामेंट में जाके बैठ जाओ और आपको बस कुछ नहीं करना है ठीक है अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको सारे कोर्सेज पे हमारे टॉप एजुकेटर्स सारे एक प्लेटफॉर्म पर हैं दे आर अंडर द सिंगल अम्रेला आपकी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके जो सिलेबस का इतना ज़्यादा वो कवरेज एग्जॉस्ट हो जाते हो उसको देख के उसका झंझट नहीं होगा इसमें क्योंकि सब कुछ आपको बाइफर्केट करके बताया जाएगा आपका स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस टेस्ट लाइव क्लासेस एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द एजुकेटर्स राइट प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है बेटा आप अपने अकॉर्डिंगली हाउ एवर वे योर पॉकेट योर और योर पेरेंट्स पॉकेट अलाउज़ यू टू अफोर्ड एनी पैक uh, आप उसको ले सकते हो चाहे वो ट्वेंटी फोर एटीन फिफ्टीन ट्वेल्व सिक्स मंथ्स का रिस्पेक्टिवली क्यों ना हो बट अगर आपने ये कोड लगा लिया तो बस फिर जो है सब कुछ मंगल में हो जाएगा निधि निधि जीरो वन एन आई डी एच आई ज़ीरो वन इफ़ यू अप्लाई दिस कोड तो आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा तो अपनी अकेडमिक्स uh, को फंड करो एंड ट्राई टू अवेल एज मच डिस्काउंट्स एज पॉसिबल ठीक है अब अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स में बेटा आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है आपके डाउट क्लियरिंग सेशन जो हैं बहुत आसान हो जाते हैं पर्सनल कनेक्ट होता है एक टीचर का उनके प्यूपल के साथ और आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है तो आपकी पूरी काउंसलिंग की जाती है ठीक है आपका स्टडी प्लानर बनाया जाता है बढ़िया तरीके से सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो प्राइसिंग है वो कुछ इस तरीके से है ट्वेंटी फोर एटीन फिफ्टीन ट्वेल्व सिक्स मंथ्स अकॉर्डिंगली ये सब चलता है निधि जीरो वन ही अप्लाई करना है अगेन इसमें भी आपको कोई भी पैक खरीदो उसका ऑफर डेट है कुछ ना कुछ लिमिटेड पीरियड तक होता है तो आपको जल्दी से जल्दी आपको हरी करना है क्योंकि हमारा जो मेगा ऑफर्स है ना वो जल्दी से जल्दी एक्सपायर भी हो जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है सो वाई नॉट टेक द वाई नॉट गेट बेनिफिटेड बाई दीज ऑफर्स राइट चलो जी तो बेटा आप में से कोई भी अब सब्सक्राइब करके आने प्लस का मेंबर बन सकता है और आप पार्ट में पे कर सकते हो या फिर जीरो कॉस्ट ई एम आई पे पे कर सकते हो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ठीक है तो आपका जो ऑफर है वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही वैलिड है आपको जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा उठाना है डाउनलोड करना है अन आदमी आपको आज ही गूगल प्ले पे भी है और ऐप स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा आपको जो है कोड अप्लाई करना है एंड देन एवरी थिंग विल गेट सॉर्टेड आउट तो बाकी सब जो है रेस्ट यू कैन लीव ऑन टू अस ओनली Okay so that's about it I hope you find the session interesting and informative at, uh, informative at the same time uh, Don't forget to like share and subscribe to the channel okay and uh, then I'll see you next time bye bye